दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडेक्स और मैच फार्मूला एक्सेल में क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेकर दोनों फार्मूला को वन बाय वन डिस्कस करूंगा, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि इंडेक्स और मैच फार्मूला एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो इंडेक्स जो हमारा फार्मूला होता है, बेसिकली रिटर्न द वैल्यू ऑफ सेल इन अ टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम एंड रो नंबर, और मैच का मतलब होता है रिटर्न द पोजिशन ऑफ ए सेल इन ए रो और कॉलम। तो ये बेसिकली एक सिंपल डिफिनेशन है इंडेक्स की और मैच की। अब हम एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स हम कैसे यूज करते हैं और मैच फार्मूला एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे एक एक्सेल खोल रखा है, जिसमें मैंने कुछ डेटा ले रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक कॉलम है नेम का, सेकेंड कॉलम है हाइट का और थर्ड है वेट का। तो मैं अब यूज करने जा रहा हूँ इंडेक्स फार्मूला कि कैसे इंडेक्स से यूज करके हम कैसे कोई डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि सपोज हमें इंडेक्स फार्मूला यूज करके विवेक की हाइट फाइंड आउट करना है। विवेक की हाइट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं विवेक है, मैंने इसको येलो कर रखा है। हमें इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इंडेक्स फार्मूला। तो हम इंडेक्स फार्मूला यूज कैसे करते हैं, सीधे इक्वल साइन देन हम लिखेंगे इंडेक्स। हमने जैसे इंडेक्स लिखा, अब इसमें दिख रहा है एरे। एरे मीन्स किस डेटा से आपको फाइंड आउट करना है। तो एरे मीन्स हम क्या करेंगे, इस सारा डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मांग रहा है रो नंबर। रो नंबर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और सी कॉलम में मैंने रमणीक कर रखा है, जैसे नेम प्रदीप, सावन, विवेक, यादव, तो सबका एक हमने रो नंबर दे रखा है। तो जो हमारा विवेक का रो नंबर है वो है हमारा सॉरी 4। जैसे हमने कामा किया, इसके बाद मांग रहा है कॉलम नंबर। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। तो जो भी हाइट का कॉलम नंबर होगा वो हम दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, मीन्स यहाँ पे 3 लिखिए। अब इसको हमने क्लोज किया तो आप देख सकते हैं 5.6। मीन्स इस तरह से हम इंडेक्स फॉर्मूला यूज करके विवेक की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, इंडेक्स, उसके बाद एरे। एरे मीन्स जितना गिवेन डेटा है, चाहे जिस डेटा से हमें हमारा आउटपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरे दिया था, तो हमने क्या किया, सारे टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मांग रहा है रो नंबर, तो विवेक किस रो पे है, 4 पे, हमने यहाँ पे 4 दिया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। तो हाइट का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3, तो यहाँ हमने दिया 3। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। अगर यहीं पे हमें वेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम नंबर 4 कर दिया, तो उसका वेट आ गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला है कि हम इंडेक्स कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा था मैच, रिटर्न द पोजीशन ऑफ ए सेल इन ए रो और कॉलम। तो चलिए बताते हैं मैच कैसे यूज करते हैं। अब इस सेम फार्मूला में हमें क्या करना है, मैच फार्मूला यूज करना है और हम फाइंड आउट करेंगे कि विवेक किस रो पे है। ओके, किस रो पे विवेक की पोजीशन है, बेसिकली मैच पोजीशन देता है, रिटर्न करता है। सेम हमने लिखा मैच, अब इसमें लिख रहा है लुकअप वैल्यू, किसके बेसिस पे डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है विवेक के बेसिस पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे विवेक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां मांग रहा है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मीन्स हमें पूरे नेम को सेलेक्ट करना है। तो यहां हमने इंक्लूडिंग नेम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, कामा। यहां पूछ रहा है मैच टाइप, देखिए 1 है, लेस देन 0 है, एग्जैक्ट मैच। तो हम यहां पर लिखेंगे 0, जिससे हमें एग्जैक्ट मैच मिल सके। ओके, 4, तो मीन्स जो विवेक की पोजीशन है वो 4 पे है, मीन्स यहाँ पे हमें रो नंबर रिटर्न कर रहा है। तो ये तरीका है मैच यूज करने का।
तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। मैच, जैसे हम मैच लिखेंगे उसके बाद आता है लुकअप वैल्यू, मतलब किस डेटा के आधार पे हम आउटपुट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है कि विवेक किस रो पे है। ओके, तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू होगी वो हो गई विवेक, और लुकअप एरे मीन्स ये। ओके, तो हमने पूरे नेम को सेलेक्ट कर लिया और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं लिखा 0 फाइंड आउट, क्योंकि हमें रो नंबर फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं हमें पता चल गया कि भाई जो विवेक की पोजीशन है वो रो नंबर 4 पे है। अब इसके बाद आप चाहें तो इंडेक्स और मैच को कंबाइन कर सकते हैं, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है वो चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है इंडेक्स। सो इंडेक्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ सेल इन ए टेबल बेस्ड ऑन द रो एंड कॉलम एंड रो नंबर। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लिखते हैं इंडेक्स, उसके बाद रो की डिटेल मांगी जाती है, फिर एरे और फिर कॉलम नंबर। मीन्स उसमें हम कॉलम और रो दोनों इंफॉर्मेशन देते हैं, देन हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैच के केस में रिटर्न द पोजीशन ऑफ ए सेल, हम रो या कॉलम की बेस पे किसी सेल की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिया था, जैसे कि इंडेक्स, देखिए एरे का मतलब पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, रो नंबर मीन्स किस रो की डेटा को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और कॉलम नंबर मीन्स हमें हाइट फाइंड आउट करना है या वेट फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हो गया। मैच में पहला आता है लुकअप, मतलब किस वैल्यू के बेस पे डेटा फाइंड आउट करना है, और जहाँ भी वैल्यू अवेलेबल होगी उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, और मैच टाइप 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।